हेलो दगड़ियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रैबार पर दगड़ियों। और दगड़ियों आज फिर से सुबह हुएगी और हमारा पहाड़ में आजकल बहुत सारा काम होना। और आज मैं यख बटन एक हमारे दीदी जी उनार जो छैनी हुई छप्पर जाए हम गढ़ोए मन उनार वक्त बहुत सारा आजकल करेला मीठी जो मीठा करेला हन और कद्दू उनार हम तो बोली कि भाई सब्जी होता है। तो चला फिर चला अपना घर बटन और वक्त तक मैं आता दिखुल और फिर हम वक्त बटन आज करेला और जो लौकी और कद्दू लेके आंदा च। तो चला फिर आप भी मेरे साथ थोड़ी युवा बाटा च एक बटन। और यूँ छमा एक कागजी नींबू ही दिखा छोटा छोटा लगे अभी और यू डाव भी बिल्कुल अब खराब होगी। और एक मुझे संतरा और यूँ हमारे से पुराना वाव डाव देखो सब सूखी गए संतरा का डाव ना। और ये देखा इन पे अब सिर्फ ये नलके लगे संतरा और बाकी पूरा डाव पता नहीं किला अपना आप सूख जाना। ये देखो और एक संतरा डाव यखमो भी हमारा ये भी देखा और ये फिर भी संतरा लगे अभी छोटा छोटा संतरा ये देखा। और ये देखा ये डाव जो ना संतरा को ये सूखी गई। और हमारा सफ़र जारी रहेगा यहाँ से आगे की तरफ। ये देखो आप बांजी के बौण हमार सब बांजी की डाव चक ये जितनी भी डाव आप देखना ना सब बांज और बुरांस। और यख हमारा पूर्णा पीछे देखो यूँ हमारा पूर्णा बांजी डावों पे और छोटा छोटा पूर्णा। आजकल हमारा घर गाँव में खेती बाड़ी शुरू हुई गई मतलब बीज मतलब गेहूँ बुताई अब शुरू करेल। ये देखो पूरा करेला ही करेला चक है और एक मशीन है गौशाला ये दिखा। और दोस्तों ये है लौकी ये देखिए मस्त लौकी लगी हुई है इधर। और यहाँ पे कुछ ये चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे शायद आप पहचान पा रहे होंगे इसको। चलो मैं बता देता हूँ आपको ये है जो भांग रहता भांग ना जिससे सुल्पा आदि बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई। तो ये पता नहीं शायद एक मैं ये गोबर फेंकते हैं तो शायद उसमें ये हुआ है। बाकी वैसे इसकी खेती यहाँ पे होती नहीं है इस इलाके में ये खेती नहीं करना। और ये देखिए कद्दू इसके लिए मैं आया था आज। ये देखिए आहा क्या बढ़िया कद्दू है ये देखिए। और यहाँ पे दीदी जी ने बहुत सारे खेती की है भाई। इधर देखो इधर नीचे बहुत हल्दी है यहाँ हल्दी लगा रखी उन्होंने। और यहाँ पे है लौकी और ये हैं करेले जैसे हम लेने में आया हूँ अभी। ये है मीठे करेले देखो और ये जो भुजी बन ना बहुत ही शानदार लाजवाब एकदम बढ़िया। आजकल ठंडों टाइम पे ना काटीकांग में ना यूँ जो करेला रन ना इन्हें बड़ी भी बन और सब्जी भी बहुत बड़ी। हाँ एक नीचे एक बहुत बड़ी लौकी है दोस्तों मैं भी आपको लौकी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये हैं इनके पूरे हल्दी यहाँ पे। और ये देखो आप लौकी देखो तो ये तो लॉक इस साइड टूट गई है, साइज का वेट ज़्यादा था कि ये देखो दोस्तों इतनी बड़ी लौकी पापा भर दे लौकी कनके गिरी ये टूटी ना हो ये अपना दोस्तों इसका जो वेट है ना करीब करीब 15 किलो के आसपास होगा इसका वेट, इतना भारी है ये। ए? अच्छा ये यहाँ यहाँ तो बहुत लौकी से यार, लौकी लौकी से भाई, यहाँ तो लौकी फैक्ट्रीज भाई। ये देखो मैं आपने दिखो ना है ना दूर बटन दिखा और देखो लौकी, थोड़ा कैमरा में नहीं ज़्यादा साफ नहीं दिखने वाला, लौकी लौकी से भीतर। और यूँ से करेला, ये देखो करेला ही करेला जो है एक। और दगड़ियों आप में चाहिए मत्ती में लौटाओ और ये मत जाएगा आप तो बतून में ये लौकी लगी होंगे क्या लगी हो पापा रे। देखो लौकी की साइज ना करीब भयंकर। देखो लौकी साइज देखा कितनी बड़ी लौकी, बाप रे ये तो भाई 15-15, 20-20 किलो हो गई हैं। और ये भी है तो ये देखो, और उसके बगल में भी है ऊपर वहाँ यहाँ पे है ना। ये देखो लौकी 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 भाई 3 लौकी तो यही है, इनोवेट तो बहुत ज़्यादा हो ना वैसे बड़ी। और एक लौकी वहाँ ऊपर भी है ये तो बना आजकल के बनो क्या सुगो से लौकी ना ठीक है मुर्गा खड़े छे ना हैं वो बहुत काम करिए यार आप लोग, यह मेहनत बहुत ज्यादा करी। अच्छा कुछ नहीं जो हाँ हाँ ना यूँ भी ठीक ठाक सुनाओगे जी। तो दोस्तों ये है हमारे किसान लोग जो घर गाँव में ना तो इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि जो लौकी साइज ना वो 20-25 किलो से भी ज़्यादा बड़ी लौकी से दिखा, बहुत बड़ी लौकी बहुत ज़्यादा। और ये डाव में ना करीब करीब 8-10 लौकी अभी भी डाव मच। ई बाप रे तब भांडे लूंगा यार बाखरज भाई पापो। और ये बकरियाँ बकरी कभी बाखर भांडे हो 19। अरे वाह। और ये दिखा इनर बढ़िया मस्त, वो बहुत खतरनाक है भाई जो उस कोने में वो बावल रवा हो है ना। कीमत कर कर रहता तुमने अच्छा देते धरे अयो यू क्या बनायो ये। अच्छा ये चिन्ह मतलब जो छोटे छोटे बच्चे रहते ना। और ये दो बहुत खतरनाक है भाई बाप रे। अच्छा यू देवता ये रखे अच्छा यू भगवान जो सिंह देख रहे उसको मान बिल्कुल एकदम मतलब मरखोज भाई ये बहुत खतरनाक, ये तो माने कोशिश मच ये तो बुढ़े में कब है मेरे सको है ना। और ये वाह कमरा मुझक बोर्ड मतलब बैल। और यहाँ देखो व्यवस्था है बढ़िया से। और कभी कभी अब बिस्तर भी लगाई नहीं कभी कभी ना अच्छा ये को रंजिया जी अच्छा ये इमरजेंसी के लिए है कि कभी यहाँ रुकना हो रात में तो यहीं रहते हैं। और ये हैं बैल बहुत गजब। दगड़ो ये जो करेला मीठा करेला यहाँ तो बन बहुत ही बढ़िया। और ये दिखा करेला। दगड़ियों यहाँ ते ककोड़ा भी बन, ककोड़ा अधिकतर लोग यहाँ ते ककोड़ा ही बन। और हमारा ये क्षेत्र में यहाँ ते हम मीठा करेला के नाम से जाना। बाकी और क्षेत्रों में लोग क्या बन आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करिए। अब दगड़ियों में आपने एक पिछना के साइड ले जानो और एक में घास रखने की बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, मतलब बारिश से बचने तो ये घास रखे। और सब्जी तो कोई पूछने नहीं और सब्जी तो छक हुई है, छक छक मतलब कि बहुत ज़्यादा गड़ोई शब्द। और वाह वाह यहाँ गुलाब भी हैं भाई, बेहतरीन बढ़िया, बहुत सुंदर गुलाब भी लगा है इधर। वाह ओहो बहुत बढ़िया। और ये भी देखिए गुलाब। और एक में हरी सब्जी भी बूती है आजकल, लेकिन आजकल कम हुई गई, मतलब कम मतलब ख़त्म हुई। अब धीरे धीरे बरखा कम हुई, पानी कम हुई। और यहाँ से ये है पटाल गौशाला के ऊपर। ओहो ये कोई अजीब सी चीज़ है यार, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये है क्या, पता नहीं क्या लगा है, ये क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ये कुछ दूसरी टाइप का है और ऊपर भी उस पर लगा हुआ है बहुत सारे वहाँ पे, पता नहीं क्या है। और इस तरफ देखो हमारे दीदी जी क्या मेहनत करी भाई, बहुत बढ़िया। मिर्च भी है, हरी मिर्च शानदार। और ये साइड से सब्जी, हरी सब्जी देखा, हरी सब्जी भी हुई काफ़ी, हरी सब्जी भी भूती यकमो। और यकमो ये प्याज, ये देखो ये प्याज की बिजवाड़ डाली एक में, है ना। और दोस्तों ये यूँ सब का सब ना, यूँ सब मीठा करेला मतलब ककोड़ा। और एक भी दिखा बाबा कम थोड़ी बोरियों हिसाब से। दगड़ो ये देखा हमारा करेला आएगा। अब घर की तरफ चलाना। ये देखो आप हमारा पहाड़ में जो लोग गाँव में रहना और शुद्ध मक्खन घी दूध भाई, यदि घी डिमांड की हुई तो जरूर मैं बता दिया गाय घी चाहिए बोलना, किसी को यदि गाय का घी चाहिए तो डिमांड बता देना, 1000 रुपये किलो है मैं क्या क्योंकि जो गाय का घी है वो अपने आप में औषधि का काम करता है, दवाई काम करना है ना, और बहुत सारा देवी कार्यों में भी वो काम करना। तो आप लोग भाई यदि गाय घी चाहिए, मतलब गाय का घी चाहिए तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं रैबार चैनल पर लेकिन मूल्य जो है वो 1000 रुपये किलो। और कोई ये न बोल भाई कि हम शहरों में बैठ बैठ के हम तो घी ये न मिल जाओ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती, वो आप लोग सभी लोग जानता। सुबह बिटिन और रात तक, अभी रात एक 9 बजे और ये छास अब बनोड़े बहुत मेहनत से दिन भर काम करना आवे टाइम लगा उनकी, दिन भर तो काम बात कर। तो यूं ही हमारी मक्खन निकाले ले, बहुत बढ़िया।